हेलो फ्रेंड्स, तो हेलो स्टूडेंट, फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो हम कल पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का कुछ क्वेश्चन देख लिए थे, तो आज हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे, वो भी आसान तरीक़ा से। आसान इतना आसान कि आपको सोए हुए भी रहिए तो भी आपको याद हो चुके होगा और सपना में आप बोलते रहेंगे कि ओ ओ ई था ई था ई था ऐसे कुछ। तो चलिए वीडियो पर शुरुआत करते हैं। दिया हुआ है, हम कल बता चुके थे, क्या बताए थे हम बता चुके थे कि दू जो दिखाया गया है, मतलब प्रश्नावली 8 का दू नंबर जो क्वेश्चन था, वो जो दू नंबर क्वेश्चन था, कॉस 38 इंटू कॉस 52 डिग्री माइनस साइन 38 इंटू साइन 52 डिग्री इक्वल टू 0 प्रूफ करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखिए कॉस 38 डिग्री ठीक है इंटू कॉस 52 डिग्री और माइनस साइन कितना है 38 डिग्री और साइन कितना है 52 डिग्री। ये जो है ट्वेल्थ का फार्मूला एक है, तो फार्मूला पर तो हम जा नहीं सकते क्योंकि फार्मूला इस वाला टेंथ में फार्मूला है नहीं, नहीं तो फर आप ट्वेल्थ में होते तो दो मिनट एक सेकेंड में आंसर देते, एक सेकेंड में मतलब कि एक सेकेंड में आंसर देते और समझ लिए कितना बच्चा से आगे हो जाते हैं। अगर एक मान लीजिए दो बच्चा 5 सेकेंड में आंसर देता है, आप 1 सेकेंड में दीजिएगा तो कंपटीशन यही होता है कि दूसरा 5 सेकेंड में दे तो हम 1 सेकेंड में, तो उससे 4 सेकेंड हम आगे हो गए और ऐसे करते करते वही बच्चा का सिलेक्शन होता है। तो हम उसी तरह से हम समझेंगे और एकदम मैथ में धांसू बन जाएंगे। तो यहाँ पर ये दिया हुआ है, हम फार्मूला जो लिखे हुए हैं कुछ फार्मूला देखिए, यहाँ पर ही हमको पहले तो 90 पुराना है, तो देखिए ये दोनों में 90 पुर रहा है, दोनों का जोड़िए तो 90 पुर है, 90 पुर रहा है ठीक है, ये दोनों का जोड़िए तो 90 पुर रहा है, तो 90 पुर रहा है इसका मतलब 90 डिग्री का एंगल पर आया है। तो 90 डिग्री का एंगल क्या कहता है, दोनों में से एक को चेंज करो और कटापिटी कर और आंसर ले आओ। तो कटापिटी करते हैं तो 38 डिग्री अभी इसको चेंज करते हैं ठीक है, तो 90 में से हम कितना घटाएंगे 52 को घटाते हैं, 90 में से 52 को घटाएंगे 38 आएगा, तो 38 लिखेंगे तो क्या लिखेंगे कॉस कितना लिखें 90 माइनस 38, तो 90 में से माइनस 38 करेंगे तो 52 फिर से आ जाएगा। देखिए 90 में से 38 करेंगे तो फिर से 52 आ जाएगा भाई, 90 में से मतलब 52 घटाएं तो 38 आया, फिर 90 में से 38 घटाएंगे तो 52 आएगा कि ना, तो 52 आया, इसका मतलब वही लिखा हुआ है खाली रूप चेंज कर देंगे। उसी तरह से फिर यहाँ भी करेंगे, 90 डिग्री वाला फॉर्मूला में यही होता है, कैसे भी जाति चेंज करना है और काटापीटी कर देना है। तो 38 डिग्री हो गया इंटू और साइन घटाइए 90 में से कितना घटाएंगे 52 डिग्री, फिर से 52 घटाएंगे तो फिर से 38 आएगा, 52 दोनों में 52 है ना, दिनों में 52 है तो कितना आएगा फिर 38 डिग्री आएगा, फिर 38 आएगा ठीक है। तो अब यहाँ घटाइए 90 डिग्री माइनस 38 डिग्री, तो देखिए 90 में से 38 तो साइन 52 डिग्री आएगा, इसको घटाएंगे तो खाली रूप चेंज कर दें, बस वही कॉस 38 डिग्री और कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा मानिए, तो इसको थीटा मानेंगे तो कितना होगा कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। हम फार्मूला याद करवाएं, फार्मूला नहीं याद किए तो आपका गलती है, इसीलिए फार्मूला को हम याद करवाएं, वो भी ट्रिक वे से, जो आपको न भी याद करना चाहेंगे ना तो भी आपको याद हो जाएगा फार्मूला। तो जाइए देखिए वीडियो को, तो यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस 38, तो कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, देखिए कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा, तो साइन थीटा यहाँ लिखेंगे, थीटा के जगह पर कितना है 38 डिग्री तो 38 लिख देंगे ठीक है। उसी तरह से साइन 38 डिग्री और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा के जगह थीटा कॉस थीटा, थीटा के जगह कितना है 38 तो 38। और देखिए यहाँ पर ही देखिए इसको सजा लेते हैं, पहले साइन को लिख देते हैं साइन 38 डिग्री इंटू कॉस 38 डिग्री माइनस साइन, ये तो लिखा सही है लिखा हुआ साइन, सजा लिए अच्छा लगने के लिए ठीक है। अब अच्छा लगने के लिए सजाएं तो हमको यह दिखा कि इधरों साइन है इधरों कॉस है, अरे बाबा ये तो दोनों सेम ही है, आ ये को प्लस में है, ये प्लस में है तो ये माइनस में है, तो इसका मतलब प्लस माइनस तक कट गया तो आंसर जीरो आ गया, आंसर जीरो आ गया तो आपका आंसर मिल गया, हो गया हम बराबर दे देंगे।
देखिए कैसे बना। आपको समझ में आ गया होगा आई होप। यदि तीन नंबर क्वेश्चन कहता है यदि 2 tan A बराबर cot 2A, 2A न्यून कोण है, तो न्यून कोण है 2A, तो इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको भी देख लीजिए। इसको बनाएंगे 2 tan A, तो 2 tan A, 2 tan A है, हाँ 2 नहीं tan 2A है, tan 2A कितना है, tan 2A = cot A - 18 degree है, 18 degree। और फिर हमको दे दिया हुआ है 2A जो है लेस देन है, मतलब कि न्यून कोण है, न्यून कोण मतलब 90 degree से छोटा है 2A, ठीक है 90 degree से छोटा है, तो हमको 2A जो एक न्यून कोण है, तो A का मान गया, तो हमको A का = A बराबर पूछ रहा है, तो A बराबर पूछ रहा है, तो A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, तो पहले तो हमको ऐसा, तो इसका मतलब कि कुछ कुछ लग रहा है 90 degree फार्मूला, तो 90 degree फार्मूला वाला ही सेट कर देंगे, ठीक है 2A के 2A लिखेंगे और इसको थीटा मानेंगे, ठीक है पूरे को थीटा मानते हैं, तो ये थीटा मानते हैं तो 90 degree फार्मूला पर लगाएंगे तो क्या होता है, 90 degree फार्मूला पर लगाएंगे तो tan, इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, देखिए cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या होता है, यहाँ देखिए cot थीटा बराबर tan 90 degree माइनस थीटा, तो tan 90 degree माइनस थीटा की जगह पर इस सबको थीटा माने हैं, तो इसको ब्रैकेट में लिखेंगे माइनस 38 = what, ठीक है क्यों लिखें ब्रैकेट में, क्योंकि प्लस माइनस है, इसको पूरे को ठिट्टा माने, तो पूरे को ठिट्टा के जगह पर लिख दिए, ठिट्टा के जगह पर लिख दिए, ओके। और फिर लिखेंगे 2 tan A और tan 90 degree, अभी माइनस घुसेर देते हैं, माइनस जब घुसाते हैं तो क्या होगा, ये जो माइनस A हो जाएगा और माइनस माइनस पॉजिटिव 18 हो जाएगा, ठीक है, तो tan 2A, जब इसको करते हैं तो पहले तो tan 10 उड़ा दीजिए, बराबर में दोनों है tan 10 तो उड़ गया, ठीक है। और यहाँ पर जो बचा 90 degree या प्लस 18, ये दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो 108 हो जाएगा और ई इधर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, ई ए माइनस में है तो इधर आ जाएगा तो 3A हो जाएगा, तो A = 108/3, तो कितना आएगा, 108 में से 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3 * 9 और 1 = 6 आंसर 36 degree आंसर। ये बोला है 2A एक न्यून कोण है, तो 2 से गुना कर लीजिए कि सही है कि ना, 36 तो 72, तो कम है ना 90 degree से, लेस देन 90 degree है, तो सत्य है, इसका मतलब कि सही आंसर है, ठीक है 36 है, ठीक है 36 हो गया आंसर, मिल गया होगा। उसी तरह से फिर आगे वाला क्वेश्चन भी कहता है, उसी तरह आगे वाला भी क्वेश्चन है, तो आगे वाला भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट मार लीजिए, मार्कर दे दिया है साला खराब, मार्कर लेने गए थे कोई और, मिल गया खराब मार्कर हमको, यहाँ दिया हुआ है sec 4A = cosec A - 20 degree, ये दिया हुआ है A माइनस 20 degree, तो 4A एक न्यून कोण है, तो A का मान ज्ञात करें, 4A न्यून कोण है, मतलब कि ये जो 4A जो है ये 90 degree से छोटा है, तो A का मान पूछ रहा है, तो हम इसको वैसा ही करते हैं 90 के फार्मूला पर, 4A और cos, इसका फार्मूला भी होता है sec 90 degree माइनस थीटा = cosec थीटा, तो cosec थीटा = तो थीटा मानिए पूरे को, ठीक है थीटा मानते हैं तो कितना आएगा, थीटा मानते हैं पूरे को, थीटा मानते हैं
थीटा मानते हैं तो क्या होगा, सेक 90 डिग्री माइनस ए माइनस 20, सेक 4 ए सेक 90, इसको घटाते हैं तो 90 और यहाँ पर पॉजिटिव नेगेटिव ए हो जाएगा, मतलब ए माइनस में हो जाएगा और ये माइनस में पॉजिटिव हो जाएगा, 20 प्लस में हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं 4a, और इसको सॉल्व करते हैं तो क्या होगा, सेक सेक 90 20 कितना होता है, 110 होता है, 9 2 11 110 और माइनस ए है तो सेक सेक इन्हें उड़ा देते हैं, ठीक है, सेक सेक उड़ा दिए, कहला कि सेक सेक उड़ा दिए तो 4a बच गया और इधर ई माइनस वाला ए इधर आया तो पॉजिटिव ए इधर ले आए और 110 इधर है तो 5a इक्वल टू 110। अब 110 अब इसको काटते हैं ए को 5 को 110 बाई 5 तो कितना होगा, 5 × 10 एक और 5 × 10 22 बचे 110, ठीक है 22 आया। तो इसका ए का मान आप बोल रहा था कि 4a जो है न्यून कोण है, मतलब न्यून कोण 90 छोटा है तो गुना कर लीजिए 22 गुना कितना है 88 आया, न्यून कोण है इसका मतलब राइट है। तो ये लिखना नहीं, चेक करने के लिए कि वास्तव में जो हमको आंसर निकला है 22 वास्तव में सही निकला है कि नहीं, इसीलिए तो हम गुना किए 4a जो है 90 से लेस देन है, गुना करेंगे तो 4 × 22 जो a का वैल्यू निकला है 90 से छोटा आता है कि ना 88, तो 90 से 2 छोटा है ना, 2 कम तो है, तो इसका मतलब कि ए का मान जो 22 निकला है सही निकला है। यहीं तक बस यहीं तक निकालिए, हो गया, आपको कोई जरूरी नहीं कि इसे सिद्ध करना कि 4a 90 से छोटा है कि ना, जब स्टेप बाय स्टेप कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली सही होगा, ये जरूरी नहीं, इसको हम समझाने के लिए बताते हैं। उसी तरह से आगे वाला क्वेश्चन एकदम ईजी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और समझिए कि यह बिहार बोर्ड का एक नंबर क्वेश्चन है, इस पर टारगेट ही करते रहता है, हमेशा इस पर वार करता है, हमेशा देता है आदमी को 2 नंबर में देगा, हमेशा 2 नंबर में, समझ लीजिए इस अब समझ लीजिए कि 2 नंबर आप पढ़ लिए और इससे ऑब्जेक्टिव आता है। अब आ है कि यदि दिया हुआ है कि यदि ए बी सी त्रिभुज जो है ए बी सी अंतः कोण है तो साइन हमको दिखाना है, साइन ए प्लस सी बाई 2 इक्वल टू साइन नहीं मैंने, हाँ कॉस ए बाई 2 नहीं, यहाँ बी है, यहाँ ए नहीं है बी है, बी बाई 2 इक्वल टू कॉस ए बाई 2 दिखाना है हमको, कॉस ए बाई 2 दिखाना है तो हमको दिखाना है तो दिया हुआ है, हम लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, ठीक है इसमें प्रूफ करना है तो दिया गया है, क्या दिया गया है इसमें ए बी सी न्यून कोण है, क्या कहाँ है ए मतलब त्रिभुज ए बी सी त्रिभुज के अंतः कोण है, दिया गया है ए बी सी अंतः कोण है, ठीक है अंतः कोण है तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि अंतः कोणों का योग 180 होता है, ठीक है अब इसीलिए क्या ए बी सी इक्वल टू 180 दिया हुआ है, देखिए ये जो है ए ये है बी ये है सी,
इसका योग 180 होता है ना, ये जानते हैं ना, ये न्यून कोण है तो 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, ये भी 90 डिग्री से छोटा है, और इस तीनों कोणों का 180 होता है तो होता है ना, तो ए बी सी 180 डिग्री होता है। तो देखिए एक ठकन है ए और दोनों अभी बगल आई दोनों है बी और सी एक साथ है, ये अलग है तो ये दोनों एक साथ है तो ये दोनों को एक साथ रखेंगे ठीक है, और इसको अलग भेज देंगे। तो इसको अलग भेजिए, 180 माइनस ये हो जाएगा ठीक है। अब क्वेश्चन में 180 माइनस है, पहले बराबर में लिखते हैं इसे ठीक रहेगा, 180 माइनस ए। अब देखिए यहाँ पर यहाँ डिवाइड मतलब कि दो बटा में भी है, तो यहाँ दो बटा में है तो दो बटा में भी यहाँ कर देंगे ठीक है, दोनों तो भाग दिए दोनों तरफ से, यहाँ लिख देंगे पहले दोनों तरफ दो से भाग, इतना लिख देंगे ठीक है। और फिर यहाँ पर ही देखेंगे कि इसमें है इसमें साइन है तो फिर साइन लगाएंगे दोनों तरफ, साइन दो से भाग साइन लगाएंगे बी प्लस सी बाई टू, साइन लगाए दोनों तरफ तो इधर भी साइन लगेगा, इधर भी 180 माइनस ए बाई टू, हालांकि दोनों तरफ भागे तो दोनों तरफ साइन लगा दिए। अब यहाँ देखिए आ गया आंसर आपका साइन, तो इसको काटेंगे इससे, इसको दोनों का बटा में नहीं तो इसको बटा भी कर देते हैं, इसको भी बटा दे देते हैं, जैसे कि दोनों बटा में है तो दो इसका भी बटा में है, दो इसका भी बटा में है, तो इससे ये तो कट जाएगा लेकिन इससे नहीं कटेगा, तो ये 90 डिग्री हो गया और ए बाई टू हो गया, ए बाई टू हो गया। अब यहाँ पर साइन बी सी बाई टू और साइन, यहाँ पर साइन जो है यहाँ जो साइन दिया हुआ है, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, थीटा की जगह पर ए बाई टू है ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की जगह पर कितना है ए बाई टू है, तो ए बाई टू, देखिए आंसर मिला हुआ ए साइन ए प्लस बी मिला, मिल गया ना आंसर हो गया, कितना आसान था आपको लग रहा था एकदम हार्ड। अब ये भी 7 नंबर भी एकदम ईजी है, 7 नंबर इतने में बन जाएगा लेकिन हम मिटा देते हैं। सात नंबर क्या है, तो ये बोल रहा है कि साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री तो और 0 और 45 डिग्री के बीच में कोण होना चाहिए, तो साइन 67 डिग्री पॉजिटिव कॉस 75 डिग्री तो 0 और कितना के बीच में होना चाहिए, 45 डिग्री के बीच में होना चाहिए, इतना इतना के बीच में त्रिकोणमिति अनुपात को व्यक्त करें, तो इन दोनों को ऐसा कन्वर्ट करना है जो हमको 45 डिग्री के अंदर में आ जाए दोनों कोण, तो क्या करेंगे, तो वही फार्मूला 90 डिग्री वाला फार्मूला, जब हम इसको मान नहीं पता है तो 90 डिग्री वाला फार्मूला लगाएंगे तो क्या होगा, तो पहले तो यहाँ पर लिखेंगे स्टेप बाय स्टेप, साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 75 डिग्री लिख दें, अब यहाँ पर 90 डिग्री माइनस कितना घटाएंगे, 67 घटाते हैं कितना आएगा, 67 घटाते हैं तो कितना आएगा तो 10 हो गया, तो 3 आ गया, यहाँ 6 2 23 आ गया, तो यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस 23 डिग्री, तो 23 घटाते 67 आता है, खाली इसी का रूप लिख दिए, इस दोनों में घटाते हैं तो साइन 67 डिग्री साइन 67 डिग्री हो गया, तो उसी तरह से फिर यह भी लिखते हैं कॉस 90 डिग्री घटाइए, 90 में से कितना घटेगा 75, 90 में से 75 घटाएंगे तो कितना आएगा 10 5 आएगा एन 7 ठीक है ना, जिन 7 3 10 और 6 2 8 ठीक तो है, और ये भी 5 के 5 और 7 1 8 15 डिग्री बचेगा,
15 डिग्री, तो यहाँ पर 90 डिग्री माइनस 15 डिग्री लिख सकते हैं। तो 90 डिग्री माइनस 15 लिखते हैं तो 75 डिग्री पूरा, तो cos 75 खाली रूप चेंज करते हैं, नहीं तो वही लिखा हुआ है। ठीक है, इतना तक समझ में आ गया। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, इसको थीटा मान लेते हैं, इसको थीटा मानते हैं इसको। ठीक है, तो साइन 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू कितना होता है कॉस थीटा, थीटा की जगह पर कितना है 23 डिग्री के, फिर प्लस कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, थीटा की जगह पर कितना है 15, तो 45 डिग्री के अंदर में नीचे है कि ना, हो गया आंसर। 45 के अंदर का मान लिखना था तो लिखा गया, हो गया आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।